लेकर भी आएगा 500 का एक नोट, 200 का एक नोट और चांदी की टूटी हुई अंगूठी। तो देखा मुन्ना के ससुर व सास आंगन में पड़े थे, काफी खून निकल कर बह रहा था। सम्राट भजन को देखा तो खत्म हो गया था। मैं उसे आंगन में जोर से पटक दिया, जिससे लल्लू उर्फ मुन्ना टांगी से तथा कुशल व उमेश डंडे से मारने लगे। तभी अरे आप लोग भी किस तरीके से करते हैं इन्वेस्टिगेशन? नहीं नहीं सिरा, हाँ ठीक है बताइए बताइए। का मेमोरेंडम पढ़ देता हूँ सर। बढ़िए। लल्लू उर्फ मुन्ना प्रजापति के घर में आना जाना करता था। लल्लू उर्फ मुन्ना पहले अपने ससुराल के घर में रहता था, मैं वहां भी जाना आना करता था। दिनांक 9/9/2020 को रात्रि के लगभग 9 से 10 बजे के बीच मैं अपने साथी कुशल कुशवाहा उमेश कुशवाहा के साथ अपनी मोटरसाइकिल से लल्लू कुशल उर्फ कुशवाहा मैलो और उमेश कुशवाहा। मैलो के साथ अपनी मोटरसाइकिल से लल्लू उर्फ मुन्ना प्रजापति के घर न्यू बरौधा ब्योहारी आया था। सभी कोई बैठकर मुन्ना के घर में शराब पिए। उसी दौरान मुन्ना मुझे बताया कि मेरी साली बिठूल प्रजापति बिलासपुर छत्तीसगढ़ तरफ से गहना ज्वेवर लेकर आई है, चलो चुराते हैं। तब मैं बोला कि ठीक है, अभी एक जगह से हम लोग आते हैं, तुम तैयार रहना। कहकर मैं कुशल उमेश तीनों ग्राम टेकी गए, वहां भी शराब पिए। फिर करीब 1 बजे रात दोबारा लल्लू उर्फ मुन्ना प्रजापति घर आए और मुन्ना को साथ में लेकर चारों मेरी मोटरसाइकिल में ग्राम बेलहा टोला मऊ नाला पास गए। मोटरसाइकिल को नाले के पास खड़ी करके चारों पैदल मुन्ना के ससुराल घर गए और गेट पास कुशल व उमेश को खड़ा करके मैं तथा मुन्ना दोनों घर के आंगन में दरवाजे पास गए। दरवाजे में धक्का दिया, जो दरवाजा खुला था। तब दोनों घर के अंदर घुसे। जैसे ही कमरे में घुसे तो मुन्ना का ससुर राम भजन जगकर चिल्लाने लगा, जिसे हम दोनों पकड़कर बाहर खींच कर लाए। तब मैं उसे आंगन में जोर से पटक दिया, जिससे लल्लू उर्फ मुन्ना टांगी से तथा कुशल व उमेश डंडे से मारने लगे। तभी मुन्ना की सास नाना बाई भी कमरे से निकल बाहर आकर पकड़ने लगी। तब उसे भी हम लोग मारने लगे। तब मैं मुन्ना कुशल उमेश को बोला कि तुम लोग इनको देखना, अंदर ना आए। ऐसा कहकर मैं घर के अंदर जाकर तलाशी लेने लगा, जो अटैची रखी थी, जिसे खोल कर देखा तो अटैची में एक डिब्बे में 500, 200 रुपए के नोट थे तथा 2 चांदी की अंगूठी व एक टूटे पायल का टुकड़ा था, जिसे मैं निकाल कर अपने पहने हुए पैंट के जेब में रख लिया। अन्य कोई सामान नहीं मिला। तब मैं घर के अंदर से बाहर आया, आंगन में आया तो देखा मुन्ना के ससुर व सास आंगन में पड़े थे, काफी खून निकल कर बह रहा था। सम्राट भजन को देखा तो वह खत्म हो गया था। तब मुन्ना वगैरह को बताया तो वह मर गया, चलो भागो। तब हम लोग वहां पर मोटरसाइकिल से वापस भाग गए। पार्टिसिपेशन है साहब। अच्छा बहुत बढ़िया। अब उसका दूसरे का स्टेटमेंट पढ़िए, जब्ती क्या हुई है इससे? इसकी शिनाख्त की हुई है साहब। अरे जब्ती शिनाख्ती तो बात की बात है, जी वो सब जानते हैं, शिनाख्ती क्या होगी? पर आई विटनेस तो है नहीं वहां पर, नहीं अभी फिर शिनाख्ती। अरे आप लोग भी किस तरीके से करते हैं इन्वेस्टिगेशन? नहीं नहीं शिनाख्ती लगी है साहब नहीं, उसकी अरे लगी तो अंगूठी की, उसकी वो जो वहां से सीज हुआ है, मैं बता कहाँ से रहा अंगूठी? अंगूठी सीजन में वो पढ़िएगा, लेकर भी आएगा 500 का एक नोट, 200 का एक नोट और चांदी की टूटी हुई अंगूठी। इस बनाने से पहले तो सोचा करिए आप लोग, ऑस्ट्रेलियन की जमानत हो गई है, जी। कुशल उमेश की भी तो लगी हुई है क्या? ये रिजेक्ट हुई है क्या? कुशलेंद्र दीपक कुशवाहा, इसलिए कुशल। और दीपू राहुल से जब्त हुआ है साहब। हाँ 2 नग चांदी जैसे धातु की बनी अंगूठी, 1 अंगूठी नग पास से एक सिरा निकला हुआ, अंगूठियों में सफेद पर्पल रंग का नग लगा हुआ है। आरोपी अपने कमरे में रखी खार तकिया के नीचे से निकाल कर दिया। 2 चांदी जैसे धातु के पायल के टूटे हुए टुकड़े आरोपी अपने कमरे में रखी खाट तकिए के नीचे से निकाल कर दिया। ये और नकदी कुल 3,000 रुपये, जिसमें से 200 के 8 नोट, 100 रुपये के 9 नोट, 500 के 1 नोट। सौ के तो लाया ही नहीं था वहां से, 500 के और 200 के लाया था मेमोरेंडम में, 100 के तो लाया ही नहीं आपने, रख दिए 100 के नोट। 500 का नोट कितना जब्त हुआ है? और फिर ये विटनेस होस्टाइल क्यों इतने सारे? अच्छा वो मुन्ना प्रजापति का क्या स्टेटमेंट है? मान भाई ने अपनी जो चांदी के जो अरे ऑर्नामेंट्स थे मान भाई ने तो बहुत अच्छा किया, ये पहचाना बता होगा। दीजिए कि मुन्ना का क्या स्टेटमेंट है? मुन्ना भी तो इनका सहअभियुक्त है, उसी ने तो चोरी करने की योजना बनाई थी। ये साली आई है छत्तीसगढ़ से जेवर लेकर, टूटी हुई पायल और चांदी की अंगूठी, ये स्टेटमेंट नहीं लिया मुन्ना का? लिया लल्लू मुन्ना। हाँ मुन्ना मुन्ना पढ़िए।
मेरी शादी स्वर्णसु के साथ हुई है। मेरे चार लड़की और एक लड़का है। मेरे माता पिता स्वर्गवास हो गए। मेरी भाई बहन है। 1.5-2 वर्ष पूर्व मेरे ससुर मुझे बोले थे कि तुम चलो मेरे घर में रहना, वहीं काम धंधा करना। तब मैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ ससुर राम भजन के घर आकर रहने लगा और दादू एंड संस ब्योहारी की बस में खलासी का काम करता था। जिस बस में मैं खलासी था उसी बस में दीपक उर्फ राहुल कुशवाहा निवासी स्वयंसेवक का ड्राइवर था। ये जो है साहब ये ड्राइवर था उसी बस हाँ में ठीक है। जो मेरे ससुराल घर आना जाना करता था। पिछले वर्ष मैं अपनी लड़की की शादी करने के लिए ससुर राम भजन को बोला था, शादी करने से मना कर दिए थे। इस बात पर ससुर राम भजन के साथ झगड़ा विवाद हो गया था। तब ससुर ने मुझे अपने घर से निकाल दिए थे। तो मैं न्यू बरौधा और ब्योहारी में आकर अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहने लगा। उसी समय रात्रि में ससुर राम भजन को उसी समय से मैं राम भजन ससुर राम भजन को मारना चाहता था, लेकिन मौका व किसी का साथ नहीं मिल रहा था। दिनांक 9/9/2020 की रात 9:10 बजे के लगभग दीपक उर्फ राहुल कुशवाहा निवासी खामडाट का अपने साथी कुशल कुशवाहा उमेश खैरवार निवासी खामडाट के मेरे घर आए थे। सभी लोग बैठकर शराब पिए थे। उसी समय मैं दीपक उर्फ राहुल से बताया कि मेरी साली बिठुल बिलासपुर छत्तीसगढ़ तरफ से काफी गहना जेवर व पैसा कहाँ लेकर आई। बेंसरिया कहाँ इसको मारने का, चले अब इसको, ये भी नहीं है कि प्लानिंग की इसको मार के आते हैं फर्जी हिसाब श्री।